बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? आज मैं एक इतनी अमेजिंग रेमेडी लेके आई हूँ जो हमारे काकरोच में घर में क्या घर से बाहर तक भी आपको नजर नहीं आए। ये बारिश जब होती है तो आपको पता है हमें ये काकरोच का बहुत सामना करना पड़ता है। इसलिए इसके लिए जो सबसे पहला है क्या, आपने गंदम का आटा लेना है 2 टेबल स्पून, ठीक है? आपने गंदम का आटा लेना है, फिर इसी तरह आपने पिसी हुई दादा मिर्च लेनी है, ठीक है? दादा मिर्च आपने इसमें 1 टेबल स्पून डालनी है, ठीक है? इसमें डालनी हो 1 टेबल स्पून। फिर इसके बाद आपने बोरिक एसिड का जो पाउडर होता है ना वो डाला है, जो हम वाइट कैरम बोर्ड के लिए यूज़ करते हैं, 2 टेबल स्पून आपने वो डाले हैं। ये देखिए बोरिक एसिड वाला पाउडर, 2 टेबल स्पून आपने वो डाले हैं। फिर हम इसमें दूध डालेंगे, हमने पानी नहीं डालना, क्योंकि अगर हमने चूहों को पिघाना है तो उनको पहले हमने सेवा करनी है, फिर हम उनको घर से बाहर निकालेंगे, ठीक है? जब वो ये इसको खाएंगे तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट इसका अच्छा ही आएगा कि वो बेहोश हो जाएंगे, और इतने बेहोश हो जाएंगे कि आप उनको बीन से पकड़ के इनको बाहर पहन सकती हैं, ठीक है? ये इतनी अमेजिंग रेमेडी, आपने इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है ये बैटर को, इस तरह बैटर को मिक्स हो जाए कि जैसे हम पकौड़ों का बैटर मिक्स करते हैं, ठीक है? ये बैटर आपने इस तरह अच्छी तरह से मिक्स करना है, और भी जिधर जिधर आपको फील हो कि आपके चूहे वगैरह काकरोच वगैरह आते हैं उधर आपने, जिधर मुझे इधर मेरे किचन में अक्सर काकरोच होते हैं, इसलिए मैं इधर से जब वो बारिश वगैरह होते निकलते हैं तो इसलिए मैं उन्हीं जगह पर इसको मटीरियल का अपने बैटर को फेंक रही हूँ कि जिधर जिधर मुझे फील होता है, ठीक है? अब मैं एक दूसरा है काप के लिए जो लेके आ रही हूँ वो विनीगर से है। आपको पता है अक्सर हमारे किचन में किचन की ऊपर भी जहाँ पे बर्तन वगैरह होता है अक्सर वहाँ पे भी काकरोच वगैरह होते हैं, इसलिए हम वहाँ पे कोई ऐसा केमिकल और कोई ऐसी दवाई नहीं डाल सकते जो डेंजरस हो। इसलिए अगर आप सिरके का छिड़काव कर दो तो ये बहुत ही अमेजिंग रेमेडी है होगी काकरोचों को भगाने के लिए, ठीक है? और अब जो तीसरा हैक ये है कि आपने एक देश के लेनी है, उसमें पानी गर्म करना है, ठीक है? ये वीक में आपने एक बार ज़रूर करना है, ठीक है? जब पानी गर्म हो जाए, जब ऐसे बबल्स आने लगे पानी में, तो आपने चूल्हे को बंद कर देना है, उसको नीचे उतार के इसको थोड़ा सा ठंडा करना है। फिर ठंडा करने के बाद आपने इससे अपने सिंक के अंदर सारा पानी को गिराना, इससे गंदगी भी नहीं आएगी, चूहे हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, चूहे आना बंद हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें। अल्लाह हाफिज़, और दूसरों के साथ शेयर। अल्लाह हाफिज़।